इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रोग्राम टू कन्वर्ट डेसिमल नंबर इनटू बाइनरी नंबर। ठीक है, सबसे पहले पकड़ते हैं लॉजिक। फॉर एग्जांपल नंबर जो है वो क्या है, 17। इस नंबर को हमने स्टोर करा किस में, वेरिएबल एन में। तो हम करते कैसे हैं कन्वर्ट, हम क्या करा, नंबर था 17, इसको हम किससे डिवाइड करते हैं, 2 से। कितने टाइम्स डिवाइड हुआ, 8 टाइम्स। यहाँ पे आप लिख रहे हैं कोसेंट, यहाँ पे आप लिख रहे हैं रिमाइंडर। तो जब आपने 17 को 2 से डिवाइड किया तो कोसेंट क्या आया, 8, रिमाइंडर क्या बचा, 1। अगेन आपने 8 को फिर से 2 से डिवाइड किया, कोसेंट आया 4, रिमाइंडर बचा 0। फिर आपने 4 को 2 से डिवाइड किया, कोसेंट आया 2, रिमाइंडर बचा 0। फिर आपने 2 को डिवाइड किया 2 से, तो 1 टाइम्स कोसेंट आया 1, रिमाइंडर आया 0। फिर आपने 2 को 1 को डिवाइड किया 2 से, तो आपका कोसेंट कितना आ गया, 0, और रिमाइंडर क्या आ गया, 1। जब कोसेंट में आपका 0 आता है तो आप कन्वर्ट करना, डिवाइड करना रोक देते हैं। उसके बाद आप क्या करते हैं, ये जो आपके रिमाइंडर आए हैं इसको लिखते हैं बॉटम से टॉप की ऑर्डर में। तो देखो करें क्या, हमें चाहिए क्या, रिमाइंडर। हमें क्या चाहिए, रिमाइंडर। और रिमाइंडर में आप देखें एक से ज़्यादा वैल्यू आ रही है, एक से ज़्यादा वैल्यू आ रही है मीन्स किसका यूज़ करेंगे, हम एरे का यूज़ करेंगे। तो ये जो वैल्यूज़ आपकी आई है उसको आप क्या करेंगे, एरे में स्टोर करा देंगे। तो हमने क्या करा, एक वेरिएबल लिया आई, उसको इनिशियल हमने कर दिया 0, उसको हमने इनिशियल क्या वैल्यू दे दी, 0। 0 मीन्स अब मैं यूज़ करूँगा एरे का AI। जब मैं AI बोलूँगा, अगर I की वैल्यू 0 होगी तो पहला एलिमेंट क्या होगा, A0। तो इसका मतलब क्या है, जैसे आपको रिमाइंडर मिलते रहे, रिमाइंडर कौन देगा आपको, मॉडुलस ऑपरेटर। कोसेंट कौन देगा आपको, डिवाइड ऑपरेटर। तो आपको ये डिवाइड और रिमाइंडर वाला जो वर्क है ये रिपीट करना है, कब तक, जब तक n की वैल्यू क्या ना हो जाए, 0। तो हमारा क्या स्टेटमेंट आया, जब तक। जब तक का मतलब आपको क्या यूज़ करना है, वाइल लूप यूज़ करना है। कब तक आपको ये प्रोसेस करना है डिवाइड और रिमाइंडर, जब तक n क्या ना हो जाए, 0। जब तक n 0 नहीं है तब तक आपको ये रिपीट करना है। जैसे ही n की वैल्यू 0 होगी आपको ये प्रोसेस रोक देनी है, किसकी, डिवाइड करने की और मॉड करने की। तो हमने क्या करा, नंबर को मॉड किया 2 के साथ, तो हमें क्या मिलेगा, रिमाइंडर। ठीक है, रिमाइंडर मिला, जो रिमाइंडर मिला उसको हमने किस में स्टोर करा दिया, एरे AI। तो देखो फर्स्ट टाइम आई की वैल्यू कितनी थी, 0, तो ये क्या बनेगा, A0। A0 में क्या आएगा, एन मॉड 2। एन मॉड 2 कितना आया है, 1, तो ये किसकी वैल्यू बन जाएगी, A0 की। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, नंबर को 2 से डिवाइड कर दिया। तो नंबर को 2 से डिवाइड किया आपने तो आपको क्या मिला, 8। ठीक है, ये मिला था A0 पे, क्या मिला था, n mod 2 डेट इज़ 1, और n इक्वल टू n बाई 2 से क्या मिल गया आपको, n पे वैल्यू क्या हो गई, 8। फिर उसके बाद आपने क्या करा, i की वैल्यू में इंक्रीमेंट कर दिया, तो अब i कितना हो गया, 1। फिर से आप लूप के अंदर गए, आपने चेक किया n कितना है, 8, 8 नॉट इक्वल टू 0, आप क्या है, आई कितना है, 1। तो अब A1 में क्या आएगा, n mod 2, यानी 8 को आप 2 से क्या करेंगे, मॉड करेंगे, तो क्या आएगा, 0, यानी ये किसकी वैल्यू बन जाएगी, A1 की। ठीक है, n कितना हो जाएगा, 4, आई कितना हो जाएगा, आप 2। तो अगली बार जब जाएंगे n की वैल्यू क्या है, 4, तो आपका फिर आएगा 4 नॉट इक्वल टू 0, डेट इज़ ट्रू। ट्रू होगा तो AI में क्या आ जाएगा, 4 mod 2, 4 mod 2 means 0, ये किस में आ जाएगा, A2 में, और n कितना बन जाएगा, 2, i कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, फिर n कितना है, 2, 2 not equal to 0, कंडीशन इज ट्रू, तो AI में क्या आ गया, AI means i कितना था, 3, तो A3 में कितना आ गया, 0। ठीक है, उसके बाद n कितना हो गया, 1 नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन इज अगेन ट्रू, तो AI कितना हो गया, i 4, तो AI में क्या आ गया,
A4 में आ गया 1, n कितना हो गया 0। अब कंडीशन चेक हुई, 0 नॉट इक्वल टू 0, दैट इज फॉल्स। फॉल्स होते ही आप लूप से बाहर आ गए। तो इसको आप देखें, तो जब आपने ये वाइल लूप चलाया तो आपके पास जो भी रिमाइंडर थे वो किस में आ गए, एरे में आ गए, A0 से लेके A4 तक। आपको प्रिंट किस ऑर्डर में कराना है, A0 से A4 कराना है, A4 से A0। तो हमने देखा हम क्या कराते हैं, बॉटम से टॉप, यानी पहले हमें किसको प्रिंट कराना है, 4। तो जब आप बाहर आए थे तो I की वैल्यू क्या थी, 5। देखो A4 पे n mod 2 आया, n 0 हो गया, I की वैल्यू कितनी हो गई, 5। यानी जब आप इस लूप से बाहर आए तो उस वक्त I की वैल्यू कितनी थी, 5। और आपको प्रिंट कहाँ से कराना है, 4 से लेके 0 तक। 4 से 0 तक जाना है मीन्स रेंज की बात है, तो आपने क्या लगा दिया, फॉर लूप। एक J वेरिएबल लिया, इसको कहाँ चलाया, जो भी 4 का मतलब क्या है, जो भी I की वैल्यू उससे एक कम, तो आपने क्या करा, J को चलाया I माइनस 1 से, क्योंकि इसमें तो 4 तक गया, हो सकता 8 तक जाए, ये 8 तक जाए, जब 8 तक जाएगा तो I की वैल्यू उस वक्त कितनी हो जाएगी, 9। तो लूप कहाँ से चलेगा, 9 माइनस 1 यानी 8 से, ठीक है। यहाँ पे I की वैल्यू कितनी थी, 5। आपने कहा J इक्वल टू I माइनस 1 यानी 5 माइनस 1 डेट इज़ 4। कहाँ तक जाओ, ग्रेटर एन इक्वल टू 0, क्योंकि बड़े से छोटे की ओर जा रहे हो, 4 से 0, तो बड़े से छोटे जाते हैं तो लेस एन इक्वल टू नहीं आता, क्या आता है, ग्रेटर एन इक्वल टू, और J की वैल्यू में क्या कर रहे हो आप, माइनस माइनस कर रहे हो। तो आप क्या प्रिंट करा दो, प्रिंट एफ, एरे को प्रिंट करा के देख लो, तो आपका क्या हो जाएगा, बाइनरी नंबर आ जाएगा। आपने क्या कर दिया, ए जे, ये आपका बाइनरी नंबर क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा प्रोग्राम का लॉजिक है। अब इसको कंप्लीट करते हैं प्रोग्राम को, ये मैं जितनी मैंने आपको समझाने के लिए बनाया था इसको डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, अब हमें लिखना है मेन, तो आपने क्या करा, इसको भी डिलीट कर दो। अभी इसको लॉजिक को देखा कितने मेन में सबसे पहले क्या लिखना है, हमें वेरिएबल डिक्लेयर करना है। वेरिएबल डिक्लेयर मीन्स आपने लॉजिक को देखा, एक वेरिएबल यूज़ हो रहा है आई, इसकी इनिशियल वैल्यू कितनी है, 0। एक वेरिएबल यूज़ हो रहा है एन, और एक एरे जिसमें आप ये वैल्यू स्टोर कर रहे हो, मान लो आपने लिखा 30, एरे का साइज कितना 30, और एक वेरिएबल यूज हुआ है हमारा जी। एन क्या है, जिसमें हम वो डेसिमल नंबर जिसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें, बाइनरी में। तो क्या हो गया, आपने एन को इनपुट कराया, स्कैन एफ परसेंट एल डी कॉमा एम परसेंट एन, चाहे तो आप मैसेज छोड़ सकते हैं, प्रिंट एफ एंटर डेसिमल नंबर, ठीक है। उसके बाद आपका प्रोग्राम का लॉजिक आ गया, ये लॉजिक आपको क्या करेगा, प्रिंट करके देगा क्या, बाइनरी नंबर। अगर आप चाहें मैसेज लिखा तो वाइल लूप के बाद आप ये लिख सकते हैं, पहले प्रिंट एफ बाइनरी नंबर इज, ठीक है। तो क्या प्रिंट होगा, आपकी स्क्रीन कैसे आएगी, पहले आपसे पूछेगा एंटर डेसिमल नंबर। मान लीजिए आपने इनपुट कराया 17, तो ये वाइल लूप कंप्लीट होगा। वाइल लूप कंप्लीट होगा तो आपके पास A0, A1, A2, A3, A4 की वैल्यूज आएंगी। फिर फॉर लूप होगा, फॉर लूप क्या करेगा, फॉर लूप से पहले क्या लिखा, बाइनरी नंबर इज, तो यहाँ लिखा आएगा बाइनरी नंबर इज। ये फॉर लूप कंप्लीट होगा, क्या करेगा, A4 से लेके A0 तक की वैल्यू प्रिंट कर देगा, तो क्या आ जाएगा, 1001, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, आउटपुट आ जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।